जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की ये रीडिंग है जेमिनाइज के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा 2021 का फरवरी का मंथ जेमिनाइज के लिए। एंड मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया, एंड दे हैव देयर मेन ब्रांच इन सेक्टर 50 नोएडा। आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, नंबर मेंशन है स्क्रीन पर 9999259908 पे। और ये वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है, बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी सर्विसेज है। तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, होम विजिट्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन द नंबर प्रोवाइडेड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग काइंड, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टुडे। सो जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा फरवरी का मंथ, एक कार्ड निकालेंगे हम नॉस्ट्राडामस डेक से एंड देन वी विल शिफ्ट टू द अदर डेक। Nostradamus, give me one significant card for all the Geminis. How will be the month of February for them? Give me one significant card, please. So you have the treasure card here. So treasure card का अगर हम बात करें तो यहाँ पे definitely treasure आपके आपसे ज्यादा दूर नहीं है, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे यहाँ पे होने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो क्वाट्रेन है नॉस्ट्राडामस का, वो कहता है नॉट फार फ्रॉम देयर अ ट्रेजर इज हिडन विच फॉर मेनी इयर्स सेंचुरीज हैज बीन सिक्वेस्टर्ड। तो जो खजाना, जो सक्सेस आपको मिलनी है वो अब आपको मिलने वाली है, गुड फॉर्चून आपका ज्यादा दूर नहीं है और हैप्पीनेस भी आपसे बहुत करीब है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है जेमिनाइज के लिए, देखते हैं जेमिनाइज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ऑलराइट, तो हम ये वाला डेक यूज करेंगे, दिस इज द अनदर डेक फ्रॉम नॉस्ट्राडामस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल माय जेमिनाइज। अभी हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में कि आपके फाइनेंसेस, आपका करियर कैसा रहेगा फरवरी में। ओके, वी आर नॉट डूइंग द रिवर्स रीडिंग, तो इसलिए हम अपराइट में रखेंगे। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर। लेट्स टेक आउट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, वन ओके द डेविल कार्ड हियर एंड टू सिक्स ऑफ रॉड्स। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो यहाँ पे। हो सकता है वर्क प्लेस पे आप जा तो रहे हो लेकिन आप वहां पे खुश नहीं हो। यहाँ पे जो कार्ड है ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे। तो शायद जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी जो ऑफिस है, जो जॉब है, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं दिल आपका नहीं लगता कि आप उसमें जाके काम करें। साथ ही साथ यहाँ द डेविल कार्ड आया है, ऑब्सेशन कार्ड आया है, थोड़ा इन्फ्लुएंस है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे पॉजिटिव रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी आप ये फील कर रहे हैं, जो भी ये चीज है आपको, ये आपको रोकेगी आपको आगे बढ़ने में। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जो ये पर्सन है ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ये आगे की तरफ देख रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने ऊपर इतना सारा बर्डन लेके आगे बढ़ेंगे, मतलब हार्ट ब्रेक भी है, ऑब्सेशन भी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं इन दोनों बैगेजेस को लेकर के। तो ये जो दो बैगेज आपने ले रखे हैं इनको लेकर के आप आगे बढ़ तो रहे हैं बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजें जो हैं ये आपका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं। तो आपसे यही कहूंगी कि इन चीजों को आप हटाइए अपनी लाइफ से, ये चीजें आपके लिए नहीं है, आप पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। देखिए कितना आप पॉजिटिव यहाँ लग रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हैं आगे एक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आपका जो करियर गोल है वो आपके सामने है और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आपका कोई कंपेनियन भी हो इसमें, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, या ये आपकी खुद की सोच हो सकती है, आपके हायर सेल्फ हो सकता है जो आपको लगातार गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको यही करना है अपने करियर में। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के परेशान है तो वो आपका, आपको अपने करियर पे उसका इम्पैक्ट नहीं होने देना। तो यही आपके लिए करियर के लिए एडवाइस है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देखिए यू आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस, तो इसी पे फोकस रखिए और जो भी बैगेजेस हैं, जो भी हार्ट एक है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव है उसको आपको भूलना होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी फरवरी के मंथ में? फर्स्ट ऑफ लास्ट एमएस, प्लीज हेल्प मी विद दिस डेक ऑल्सो। प्लीज टेल मी हाउ विल बी द पर्सनल लाइफ ऑफ ऑल माई जेमिनाई फ्रेंड्स। ओके, प्लीज टेल मी हाउ विल द पर्सनल लाइफ ऑफ ऑल माई जेमिनाई फ्रेंड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। वन फाइनल कार्ड प्लीज। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है आपकी, आप श्योर नहीं है आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, यू आर नॉट श्योर। जैसे यहाँ पे सेवन कप्स हैं, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ है, तो आपको यहाँ पे श्योर नहीं है कि अनसर्टेन है आप अपनी पर्सनल लाइफ में कि आगे क्या होना है। तो फरवरी में भी आप बहुत अनसर्टेन है, शायद आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो फरवरी के मंथ में हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ आप पॉजिटिव यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन आप डर रहे हैं कि कुछ अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स है और हर एक कप बड़ा मिस्टीरियस है, क्या होने वाला है आपको नहीं पता, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो यही आप सोच रहे हैं सेवन ऑफ कप्स है, पर्सनल लाइफ में क्या होगा, तो ये आपको एक टेंशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप हैं और यहाँ पे शिप से जो जा रही हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आप एक टूर पे निकलें या फिर कहीं ट्रैवल करें, या फिर अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो वहां जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप जहां भी हैं जिस भी जगह पर हैं वहां से आप डेफिनेटली ट्रैवलिंग की आपकी मन में एक सोच है कि आपको ट्रैवल करना है, कहीं आगे बढ़ना है, कहीं जाना है। तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लग रही है फरवरी के मंथ में, आप जाना चाहेंगे कहीं पे। और यहाँ पे आया है जजमेंट कार्ड, तो डेफिनेटली आप कामयाबी भी आपको मिलेगी जो भी आप करना चाहते हैं, बिकॉज आप सर्टेन यहाँ पे श्योर नहीं है फरवरी के मंथ में आपकी क्या होगा क्या नहीं होगा। मे बी ये पर्सनल लाइफ में आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिसके आउटकम का आपको श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें, आप कहीं ट्रैवल करके जाएं। और साथ ही साथ आया जजमेंट कार्ड, तो आप कामयाब भी रहेंगे अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हो या फिर कुछ और नया कोई वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफी पॉजिटिव यहाँ लग रहा है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं तो भी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो कुल मिला के फरवरी के मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अनसर्टेन है, आप श्योर नहीं है क्या होगा, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं और शायद आपके पास प्लान ए के बाद प्लान बी भी है। अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है फरवरी के मंथ में, यू हैव योर प्लान बी रेडी, यहाँ पे आपका प्लान बी रेडी है और डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए जब मैं आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे देख रही हूँ। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी, करियर भी अच्छा ही आया है, उसमें बस ये है कि आपको अपना जो भी आपको कोई चीज बुरी लग रही है, किसी चीज से परेशान है, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हालांकि आप ऐसा कर भी रहे हैं, आप काफी एक्शन ओरिएंटेड हैं। ओके, सो आई गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, तो ये आपको आपके फाइनेंसेस को दिखाता है, अपने आप जंप आउट करा है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको ये पेंटिकल देना चाहता है, यूनिवर्स आपको, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करें तो करेज से अगर आप आगे बढ़ें, एक्शन लें, तो यहाँ पे पेंटिकल आपका वेट कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल है, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनाइज की इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। लेट्स सी हाउ विल बी योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी जेमिनाइज। सो यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हेयर, ओके, यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वन फाइनल कार्ड प्लीज। ओके, दो आ रहे हैं, चलो दोनों ले लेते हैं। द लवर्स कार्ड इन कंटिन्यूएशन, ओके लेट्स लीव इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो हमें आया है ये बताता है कहीं ना कहीं आपको किसी चीज का बहुत स्ट्रेस है और काफी समय से आप स्ट्रेस्ड है, क्योंकि ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स है और जैसे ये पर्सन ने अपना हेड डाउन कर रखा है और दुखी है किसी बात को लेकर के। कोई चीज ऐसी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, शायद आप सो भी नहीं पा रहे रात को। अब ये हो सकता है आपकी फाइनेंसिस से कनेक्टेड हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से कनेक्टेड हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जिसका मतलब है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ये चक्र है ये घूम रहा है, जो आपकी किस्मत है वो अब बदलने वाली है, जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बदलेंगी और चीजें ठीक होंगी। क्योंकि मैंने कहा, आपको बताया कि यूनिवर्स जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स जो हमें एक कार्ड आया था,
वो क्लियर बताता है कि आपके फाइनेंसेस जो है वो बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। स्पेशली यूनिवर्स आपको यहाँ खुद हेल्प कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे यूनिवर्स है और ये जो पेंटिकल्स है, सिक्स पेंटिकल्स हैं, और यूनिवर्स खुश है, वो आपको ये पेंटिकल्स देना चाहता है, लेकिन आपको भी एक्शन लेना है। आपको भी कोई जो भी आपका प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, जो भी प्लान है आपके, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं और यूनिवर्स आपको ये पेंटिकल्स देना चाहता है। आपको भी यहाँ पे ये स्ट्रेस से निकलना है और आगे बढ़ना है। और फिर यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है आप में और बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे। जैसे आपने देखा था सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पहले आया था, जिसमें एक पर्सन जो घोड़े पे बैठा था आगे बढ़ रहा था, वही ये वही उसी ट्रेड का ये कार्ड है। अगर आप देखें तो वहां पे वो जो पर्सन था सिक्स ऑफ वॉन्ड्स था, वो आगे बढ़ा और फाइनली आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप मेल है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, अदरवाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह यहाँ बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, फाइनली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और जो भी आपकी स्ट्रेस थी वो पास्ट का था, अब जो भी है पॉजिटिव है। यहाँ पे यू आर द किंग, यू आर द क्वीन हेयर, आप यहाँ पे विक्टोरियस हो और ये जो ट्रेजर है ये डेफिनेटली आपको मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपको अपने प्लान्स रेडी रखने हैं, जो भी हार्ट एक है, जो भी दुख है आपकी लाइफ में, उसे भुलाना होगा और आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपका वेट कर रहा है, आपको ही यूनिवर्स तक पहुंचना होगा। ये देखिए आपको एक्शन लेना होगा यहाँ पे। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक द रीडिंग तो आप लाइक करें, कॉमेंट भी करें, एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।